गाइज मेरे पास फ़ोन है आईटेल का A23, जिसको 5006 CB बोल सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसका FRP अनलॉक करोगे, यानी कि गूगल अकाउंट जब आप नहीं डालोगे पहले वाला, तब तक आपका फ़ोन ओपन नहीं होगा। इसी कंडीशन में FRP लॉक आपको रिमूव करना होता है। सो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किस तरीके से आपको FRP बाईपास करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको वाईफाई कनेक्शन अपना जो भी है आप कनेक्ट कर लो वाईफाई, ठीक है, फ़ोन में। चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर हमने पहले से वाईफाई कनेक्ट कर चुका है, आप अपना कनेक्ट कर लेना। अभी यहाँ पर आने के बाद इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करेंगे। ओके, इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टैप करेंगे, डबल टैप। यहाँ पर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इस पेन वाले आइकन पर क्लिक करना है। ओके, चलिए यहाँ पर क्लिक किया। अब इसके बाद देखिए ऑनर नेम, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, अब इसके बाद चूज एन इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा दोस्तों। यहाँ पर थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, AL वाले ऑप्शन पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ओके, अभी यहाँ पर दोस्तों आने के बाद क्या करना है आपको, परमिशन में आना है। ओके, चलिए परमिशन में आते हैं। अभी यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको टैप करना है सेटिंग्स, ठीक है, और सेटिंग देना है और एक स्पेस आपको टैप कर देना है सेटिंग के बाद, ठीक है। इसके बाद सर्च करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सर्च करने के बाद देख सकते हैं नीचे आना है आपको और सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपको नीचे आना है। ओके, यहाँ पे ओपन करेंगे इसको। सेटिंग ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे आएंगे सिक्योरिटी के अंदर। ओके, यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे, स्क्रीन पिनिंग यहाँ पर ओके करेंगे। इसके बाद इसको ऑन कर देंगे, इसको भी ऑन करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे इसका पैटर्न लगाएंगे। चलिए जो भी पैटर्न आप रखना चाहते हो एक पैटर्न आप लगा लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे हमने पैटर्न लगा लिया। अभी यहाँ पे इसको बैक करते हैं। अभी यहाँ पे इसको करते हैं स्किप। यहाँ पे स्क्रीन पिनिंग ऑन हो चुका है। अब सिंपली क्या करना है आपको, बैक बैक कर लेना है, ठीक है। चलिए हम बैक बैक कर लेते हैं। अभी बैक बैक करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम वीडियो थोड़ा पॉज करते हैं गाइस। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। यहाँ पर डाउन कॉपी भी आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जस्ट ऐसे कुछ सेकेंड यहाँ पर लगेगा, ठीक है। चलिए वेट करते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपको वही लॉक डालना है, पैटर्न जो आपने डाला था इससे पहले। चलिए हम यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पे फिर से चेकिंग इन्फॉर्मेशन पे आ चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में जितना भी वीडियो है इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसका लिंक आप देख सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था किस तरीके से इसका जो है ना पैटर्न लॉक हार्ड लॉक रीसेट कर सकते हो, किस तरीके से हार्ड रीसेट कर सकते हो, उसका भी मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आई बटन में आप चेक करना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर स्किप वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, चलिए स्किप पे क्लिक किया। यहाँ पे भी स्किप करेंगे। इसके बाद सीधा इसको करेंगे एक्सेप्ट। अभी फिर से वही देना है आपको, फिर से स्किप करना है। यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे अपना कंट्री जो भी है कंट्री सिलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। चलिए इसको स्किप करते हैं। लाइसेंस को, जियो लाइसेंस एंड टर्म्स को एक्सेप्ट किए, ओके किए। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं इसको। फाइनली फोन ओपन हो चुका है और इसके सामने हमने बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया है। उन सभी प्रॉब्लम को हमने आपको शो ऑफ कर दिया है, सारा प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से इस फ़ोन को आप इजी वे में आप ऑन कर सकते हो अगर आपके साथ किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। कभी भी आप सर्च करोगे तो हो सकता है कोई टॉपिक को आप सर्च करने जाते हो वो नहीं मिलता है, बट चैनल जब सब्सक्राइब किए रहोगे तो
तो नोटिफिकेशन में जाएगा, और जैसे ही आप सर्च करोगे तो मेरा वीडियो आपको सजेस्ट में आ जाएगा। सो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यूजर नेम है रमेश YTH। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।